गाइज मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था परफेक्शन दृष्टि बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइज जिन्हें प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पर दे दिया जाए। जय हिंद, वेलकम टू द मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रीटी वेल एंड स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। 67 यूपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, यू ऑल नो दैट। और इस क्रम में हमने कल सेट नंबर 60 डाला था, जिसपे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए है क्या, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर की में ही आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। और जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस क्रम में, देखिए एक्चुअली होता है क्या, फ्लो में इंसान होता है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, फ्लो में इंसान होता है, तो जो एक्चुअली आंसर की में आंसर होता है ना, उस हिसाब से आदमी चलता जाता है। तो इस वजह से गलती हुआ था। तो इस वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डाउट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा ही कंप्लेंट्स आए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने सोचा एक बार आपको क्लियर कराता हूँ, आंसर की इसका मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आज का सेट नंबर 8 स्टार्ट करूँगा। देखिए इसका आंसर करेक्ट जो होगा, चौथा हो जाएगा राज्य भाषा से रिलेटेड, पांचवा हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड, अष्टम हो जाएगा भाषा और नवम हो जाएगा भूमि सुधार, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर मैच्ड और करेक्ट कूट हमारा ए वाला यहाँ पे हो जाता है। आंसर की में देखिए सी वाला इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, दैट्स वाई मेरे से भी गलती हुई। अब मैं आपको यहाँ पे, मैं देखिए कुछ एक्सप्लेन नहीं करने आया हूँ, मैं आपको सीधा इसका आंसर की दिखाता हूँ, ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए 58 यहाँ पे देखिए, आपको मैंने आंसर की दिखा दिया, सी यहाँ पे दिया गया है। तो एक्चुअली होता है क्या, हम लोग वीडियो बनाने क्रम में जब मैं फ्लो में होता हूँ तो कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग अब सेटिस्फाइड हो गए होंगे। चलिए आज का जो हमारा सेट नंबर 8 है, मैं इसको करता हूँ स्टार्ट और फिर हम लोग अपना सब कुछ करेंगे धुआंधार तरीके से। आ गया हमारा सेट नंबर 8 और चलिए यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बट बिफोर दैट मैं यही बोलूँगा कि देखिए इसका कट ऑफ जो है 104 मार्क्स रखा गया है। दूसरी बात, कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर जरूर शेयर करिएगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु की बात करें, देखिए भैया ये जफर खां की हो गई थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, और मंगोलों के विरुद्ध ये लड़ते हुए शहीद हो गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति इसको बोला जाता था। नंबर 2 देखिएगा, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना कराई थी। देखिएगा इसमें बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ये वाला क्वेश्चन रटा होना चाहिए, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। फिरोज शाह तुगलक, इसने काफ़ी ज़्यादा ही जन कल्याण के काम किए हैं, ठीक है ना, FST फिरोज शाह तुगलक, क्लियर। नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है, और आप लोग ध्यान रखेंगे इसका, देखिएगा तो इसका मैं मिलान करता हूँ। चलिए भाई देखिए, जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोजशाही हमारा हो जाएगा मैच्ड, हसन निज़ामी हमारे जो हैं अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, हसन निज़ामी साहब हमारे हो जाएंगे ताजुल मासिर, ठीक है, मिनाजु सिराज ये तबकात नासरी से रिलेटेड हो जाएंगे, और याहिया बिन अहमद ये तारीख़ मुबारक शाही से रिलेटेड हो जाएंगे। करेक्ट कूट डी वाला हमारा यहाँ बैठ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4, दारासिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारासिकों ने करा था सिरे अकबर के नाम से, ठीक है ना, 4 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दारासी को सूफियों की कादरी शाखा के मल्ला शाह बश्कदानी का ये जो है चेला था, और दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था और स्वयं भी उपनिषदों का अनुवाद इसने किया था, ठीक है, सिरे अकबर के नाम से इसने किया था, महान रहस्य और सिरे असरार रहस्यों का रहस्य नामक पुस्तक जो है इसने लिखा हुआ है। नंबर 5 देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक विस्तृत थे, तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो हैं, देखिए चगताई तुर्क जो हैं इस कबीले से इनका संबंध था, तो 5C हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिएगा, बीबी का मकबरा
निर्माता कौन है, बीबी का मकबरा का निर्माता। बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था, देखिए औरंगज़ेब ने अपने बीवी के लिए, है ना, औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी बीवी जो उसकी थी रबिया उद्दौरानी, उसकी सबसे प्रिय पत्नी और उससे प्यार करता था काफ़ी, उसी का मकबरा इसने बनवाया था 1678 में, ठीक है। सात नंबर देखिएगा, कौन सा मकबरा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ठीक है, सेकंड ताजमहल, सेकंड ताजमहल का जो है बोला जाता है, देखिए रबिया उद्दौरानी का मकबरा जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा, बीबी का मकबरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। नंबर आठ, वंदे मातरम का गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी, अंकित है, कहाँ ये अंकित है, देखिएगा ये वंदे मातरम का गीत जो है ना, ये आनंद मठ में अंकित है, क्लियर। नंबर नाइन में देखिए क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने, ये पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया था लॉर्ड कैनिन ने, बी करेक्ट होगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय की बात कर ले, ये लॉर्ड कैनिन था भारत का प्रथम वायसराय, क्लियर, ध्यान रखिएगा इसका, 10 का सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो भारत में दास प्रथा को अगर हम बात कर ले समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 12, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, देखिए राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास की बात कर ले, देखिए ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 14 देखते हैं हम लोग क्या है, 14 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर ले, ये किया था एओ ह्यूम ने, यू ऑल नो दैट, है ना, एओ ह्यूम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, कब, 1884 में, ठीक है। नंबर 5 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, इनका प्रथम अधिवेशन की बात कर ले गाइस, ये हुआ था मुंबई के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी, तो विदेशों में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना देखिए महेंद्र प्रताप ने करा था, 16 का ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17 नंबर देखिएगा, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये बनाया गया था देखिए अफगानिस्तान के अंदर में, ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, और इसमें राजा महेंद्र प्रताप खुद को ही राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया था, ठीक है। 18, भारत वर्ष का सर्वोत्तम किसान आंदोलन कौन था, तो सर्वोत्तम किसान आंदोलन जो था देखिए बिजौलिया था, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साल का जो है ना, भारत वर्ष का सबसे पहला अगर किसान आंदोलन कोई बोलेंगे तो वो था बिजौलिया आंदोलन, ये जो है देखिए 1913 में ही हुआ था, चंपारण जो है ना ये तो 17 में हुआ था, ये 1913 में ही हुआ था, साधु सीताराम दास ने ये किया था, और 1915 में विजय सिंह की पथिक इस आंदोलन से फिर वो आगे चल के जुड़ गए थे, ठीक है। 19 देखिए, निम्नलिखित कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था, तो इससे संबंधित कौन नहीं था, देखिए गांधी जी से संबंधित नहीं थे, डी करेक्ट हो जाएगा। 20, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में देखिएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन से बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या रीज़न है, देखिए वो इसलिए ऊपर चढ़ता है क्योंकि इसमें जो होता है ना पुष्ट तनाव होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, बत्ती वाले स्टोव में जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है तो चढ़ने का रीज़न होता है तेल का पुष्ट तनाव के कारण कोशिकाकर्षण होता है जिस वजह से ऊपर चढ़ता है। 22 नंबर देखिएगा, लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, देखिए इसका जो मेन रीज़न एक्चुअल अगर हम बात कर ले, इसका जो एक्चुअल रीज़न होता है देखिएगा, लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक और पारे से कम होता है, क्लियर।
नंबर 23 देखते हैं, सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, कौन सा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो वो होता है देखिए बैगनी, राइट। सबसे ज़्यादा किसका होता है वेवलेंथ? रेड का हो जाएगा, है ना, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि देखिए वहाँ पर ओस इसलिए नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण दर जो है वो तेज होती है, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 25 देखिएगा, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है? देखिए जो परत चढ़ती है ना वो रजत की परत होती है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर कोटेड जो उनका वॉल किया जाता है तो फिर वो उस टाइम तक कुछ हीट को मेंटेन रखते हैं वो लोग, ठीक है। निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि नाइट विजन जो बायनोकुलर लेंस होते हैं या चश्मे होते हैं उसमें जो किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो इसमें जो इस्तेमाल अगर हम बात कर ली ये होता है अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड वेव्स का, राइट, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 27 देखते हैं हम लोग, 27 में देखिए, पराश्रव में ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, पराश्रव वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वेल, इंसान जो है ध्यान दीजिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक का जो है साउंड नहीं सुन सकता है, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, पराश्रव को अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। कुत्ते वगैरह जानवर जो है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक का सुन सकते हैं, ठीक है ना। 28 देखते हैं, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है, देखिए उसका जो है ना गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस हिसाब से हमारा। 29 मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है? देखिएगा जो चुंबकीय होता है ये निकल के मिलावट से हो जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, अशुद्ध जल से जो है बड़ी मात्रा में जो पेयजल तैयार किया जाता है, अगर इसकी हम बात कर लें, नीलवनीकरण के द्वारा ये होता है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 देखिएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, ध्यान दीजिएगा, इस लवण का जो है विद्युत अपघटन होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। 32 निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है टॉर्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा, 33 का जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर सॉल्व करो, खुद से करिएगा। 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -29। 34 का देखिए, इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। 35 का ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 11, ए। एंड 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 37 देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा हमारा 52। 38 देखते हैं, पृथ्वी ने अपनी कॉलेज फीस पर 89,745 रुपये, व्यक्तित्व विकास की कक्षाओं पर 51,291 रुपया खर्च किए और कुल रकम का शेष 27% उसके पास नकद है, कुल रकम कितनी थी? देखिएगा ओवरऑल जो यहाँ बात किया जा रहा है, जो उसके पास अमाउंट था वो था 193,200 रुपया, ठीक है। 39 देखते हैं, 25,000 की राशि पर 6 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज 1,875 रुपये होता है, इसी दर पर और इसी अवधि में 6,875 की राशि पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? साधारण ब्याज की अगर हम बात कर लें कितना उपचित होगा, राइट, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो साधारण ब्याज जो उपचित होगा या मिलेगा जो इनको, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा 12.5% के रेट से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मिल जाएगा इनको देखिएगा लगभग 5,156 रुपया 25 पैसा, ठीक है, कितना मिलेगा, ई हमारा करेक्ट होगा। 40 देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, पहली दो संख्याओं का औसत 431 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है, तीसरी संख्या कौन सी है? देखिए तीसरी संख्या की बात कर लें भाई साहब, 241 हो जाएगा तीसरी संख्या, ठीक है, 241, ई हमारा 40 का जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, 40 का ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 हम लोग देख लेते हैं, चलिए ओके, 56 लोग एक काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 42 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? देखिए 42 लोग को उस काम को करने में 32 डेज लग जाएगा, 42। 3 व्यक्ति ABC मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं
वे आरंभ में क्रमशः 30,000, 24,000, 42,000 निवेश करते हैं। 4 माह बाद 6,000 रुपये सी 10,000 रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 11,960 रुपये का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा कितना है? देखिए प्रॉफिट में बी का जो अगर शेयर की बात करें 2803 रुपये है। ठीक 43 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित से कौन सी आयरन और स्टील निर्माण शाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जमशेदपुर जो है ये आयरन या स्टील निर्माण शाला जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 44 निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार संबंधित की बात करें कौन सी समिति है, तो ये है भैया नरसिम्हन समिति, बी हमारा करेक्ट होगा। 45 मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? देखिए पुनः वितरित किसके पक्ष में करेगी, तो धनवान के, ठीक है डी करेक्ट होगा। 46 निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? महारत्न का दर्जा अगर हम बात कर लें इनमें से किसको नहीं दिया गया है, करेक्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है नहीं किसको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दिए गए चारों सार्वजनिक उपक्रम जो है ना करेंट टाइम में महारत्न का इनको स्टेटस मिला हुआ है करेंटली, ठीक है ना, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक या इनमें से सारे के सारे। ठीक 47 देखिएगा, जेबी से का बाजार किसे स्वीकार नहीं था? ये बाजार जो है ध्यान दीजिएगा ये माल्थस को स्वीकार नहीं था। 48 दो देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को दो देशों के बीच कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, बी करेक्ट हो जाएगा। 49 किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है, किसी बाजार स्थिति में जो फर्मों की अधिक क्षमता होती है अगर हम बात करें ये देखिए एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में होती है, बी करेक्ट होगा। 50 द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? देखिएगा ये दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को, डी करेक्ट हो जाएगा। 51 बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 0-6 वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए डी 47.86% महिलाओं की जनसंख्या और 18.38% अगर हम बात करें 0-6 वर्ष आयु की कुल जनसंख्या। ठीक है 52 देखिएगा, आधार स्टैटिस्टिक्स ने 11 जुलाई 2011 को बिहार राज्य के संदर्भ में जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार 2020-21 में बिहार जनसंख्या बढ़कर 10 मिलियन हो गई है, तो बिहार की जनसंख्या जो है ये बढ़कर ध्यान दीजिएगा 119.46 मिलियन हो चुकी है। क्लियर डी करेक्ट हो जाएगा। 53 राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, देखिए सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने हैं तो जो सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची को किया गया है, बी करेक्ट होगा। 54 देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ध्यान दीजिएगा शिक्षा पे कौन प्रभाव डालते हैं अगर हम बात कर लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डालते हैं, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय डालते हैं, 5वीं अनुसूची डालती है, 6वीं अनुसूची डालती है और 7वीं अनुसूची डालती है, ठीक है ना, ये प्रभाव शिक्षा पर ये सब डालते हैं, तो 54 का हमारा डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सभी। ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, देखिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है ये किसके तहत किया गया है, तो देखिए आर्टिकल 243 के तहत किया गया है, बी करेक्ट होगा। 56 राष्ट्रपति की सिफारिश और बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए यह प्रावधान आता है अनुच्छेद 117 के तहत, ए करेक्ट होगा। 57 निम्नलिखित कौन एक सुमेलित नहीं है, इनमें सुमेलित नहीं की बात कर ले कौन एक नहीं है, गाइस यहाँ पे देखिए आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी अलग हो जाना ये मैच्ड नहीं है, क्लियर। 57 का जो अगर हम बात करें क्लियर क्या हो जाएगा, तो देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण आर्टिकल 48 में नहीं होता है, ये आर्टिकल 50 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित बातें करी गई हैं, है ना। चलिए 58 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, क्लियर सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गड़बड़ है, रॉन्गली मैच्ड है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का जो अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत मिलता है, 29 के तहत नहीं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में बातें करी गई हैं, ठीक है। 59 नंबर हम लोग देख लेते हैं, 59, ठीक। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझाया जाता है? मूल अधिकार का संरक्षक किसको समझाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, न्यायपालिका को समझाया जाता है, सी करेक्ट होगा। 60, निम्नलिखित से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा संवैधानिक उपचार को कहा गया है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 61, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये जो याचिका दायर की जा सकती है वो होता है हबियस कॉर्पस, ठीक है। 61 का हमारा सी यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रीट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के, और मतलब अगर बिना किसी कारण का इनको किया गया है तो फिर इसका कारण पूछने के लिए, परीक्षण के लिए इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 62 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। चलिए भाई, 62 नंबर यहाँ सुमेल करना है, सूची एक को सूची दो के साथ 62 नंबर, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य, ये संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा जो है इसको एड ऑन करा गया है, है ना। उसका देखिए, संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में जो है ये बात कही गई है। उसके बाद मूल ढांचे का सिद्धांत, ये मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंसानों को अनैतिक व्यापार का निषेध, ये संविधान का अनुच्छेद 23 यहाँ पे बोलता है। तो ए वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 62 का हमारा ए यहाँ सत्य हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, अगर हम इसकी बात कर ले कौन सा नहीं है, तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये इनको प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण विरोध अधिकार प्राप्त है। 64, भारत में व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनकी जो नियुक्ति हुई, इनका नाम है मनीष महात्मे, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 65, किस संगठन ने नई पीढ़ी की अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण की बात कर ले, किसने किया है? करेक्ट इसका हो जाएगा, देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, DRDO ने। 66, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लॉक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के राइटर हैं खेमलता बखलू, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 67, संयुक्त राष्ट्र डैश को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाता है, देखिएगा ये मनाता है किसको, तो 29th of June को, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 68 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निर्देश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विशेष निर्देश के रूप में जो नियुक्त किया गया, देखिए, प्रवीण सिन्हा जी को किया गया है, हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 68 का बी, ठीक है। 69 देखते हैं हम लोग, डैश ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है, देखिए इस नियुक्ति की घोषणा किसने करी है, तो ट्विटर ने करी है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 70, पॉलिसी मेक्स जर्नल फॉर्म न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, इस बुक के राइटर हैं कौशिक बसु, डी करेक्ट होगा। 71, FM निर्मला सीतारमन यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने COVID-19 के खिलाफ 10 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने जो राहत पैकेज घोषणा किया था वो था, देखिए कितना, तो 6,28,993 करोड़ रुपये का, ए करेक्ट हो जाएगा। 72, 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये सम्मान मिला है पलागुम्मी साईनाथ को, बी करेक्ट होगा। 73, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूल में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ए करेक्ट होगा।
74। भारत सरकार 29 जून को डैस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। तो ये मनाती है भारत सरकार, देखिए प्रोफेसर पीसी महानुबोलिस की जयंती पर, ठीक है। 75। अविश्वास मत के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लेफवेन ने इस्तीफा दे दिया, वह किस देश से संबंधित हैं? स्टीफन लेफवेन ने इस्तीफा दे दिया और ये रिलेटेड है देखिए स्वीडन से। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, 75 का डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76। तुर्की और डैश ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 शुरू किया है। देखिएगा ये स्टार्ट किया है किसने, तो अजरबैजान ने। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियर। 77। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय, देखिएगा इसका विषय की अगर हम बात करें, एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 77 का ए। 78 देखते हैं हम लोग। डैश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पीसी ब्रिज ड्रिफ्सल्स शुरू किया है, तो इन्होंने ये शुरू किया गया है देखिए यूक्रेन में। डी हमारा करेक्ट होगा। 79। पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैल के जेन गार्डन का शुभारंभ किया है? जापानी शैली के जेन गार्डन का शुभारंभ जो है इन्होंने देखिए अहमदाबाद में करा है। सी करेक्ट होगा। 80। राही सरनोबत ने हाल ही में किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने देखिए शूटिंग में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है राही सरनोबत ने, क्लियर। 80 का बी करेक्ट होगा। 81। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा ये हर साल मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है। 82। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? देखिए हर साल 30 जून को ये मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 83 माफी चाहूँगा। कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में डैश का एक ई फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वारा लॉन्च किया है। देखिएगा ई फाइलिंग पोर्टल जो इन्होंने लॉन्च किया है ये आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा किया है। डी करेक्ट यहाँ हमारा हो जाएगा। 84। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात करें ये अंशुला राव जी बनी है। बी करेक्ट होगा, ठीक है। 84 का बी करेक्ट होगा। 85। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च कौन करेगा भाई? तो देखिए ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 86। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात कर लें तो ये आरवी रविंद्रन हो जाएंगे, सॉरी बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आरवी रविंद्रन बी। 87 देखते हैं। हाल ही में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर जो हैं शेफाली वर्मा जी बन गई हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। 88। निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है देखिए फिलीपींस को। बी हमारा करेक्ट होगा। 89। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली दो इकाइयां बेहतेन बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? इसका निर्माण हुआ है देखिए चाइना में, ठीक है। डी हमारा 89 का करेक्ट होगा, ठीक है। 90 देखते हैं हम लोग, नंबर 90। केंद्र ने डैश में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नथरक्स का उद्घाटन किया है, तो इसका उद्घाटन किया है इंदौर में। सी करेक्ट होगा। 91। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव को। डी करेक्ट हो जाएगा। 92। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया है? तो ये पूर्ण स्वराज जो है घोषित किया गया था देखिए लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 93। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये अधिकार दिया गया था देखिए लाहौर सत्र में। बी करेक्ट हो जाएगा। 94। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? देखिए दांडी यात्रा के साथ जो है स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी करेक्ट हो जाएगा।
95 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये हुआ था, देखिएगा, ये हुआ था लाहौर के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 96 वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, देखिएगा वो तिथि की अगर हम बात कर ले, वो तिथि थी 23 मार्च 1940 की, ठीक। 97 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये थे भाई लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, चलिए प्रथम भारतीय बोलेंगे तो सीराज गोपालाचारी हो जाएंगे। 98 भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सीराज गोपालाचारी, अभी भी मैंने आपको बताया था। 99 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे देखिए जेबी कृपलानी, बी करेक्ट होगा, ठीक है। 100 देखिएगा निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति प्राप्त मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था देखिए, गाय का नहीं हुआ था, ठीक है, हाथी गैंडा और बाघ का मिला है रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या था, तो इनका जो धर्म था देखिए प्रकृति पूजा और यज्ञ का था। 102 शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो इस बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 103 देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है स्थापित किया गया है किसके द्वारा, तो देखिए लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, ध्यान आपको रखना है और आपको पता भी होगा, डी करेक्ट होगा। 104 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है, देखिए अशोक नाम जो है ये उल्लेखित है मौस्की का लघु शिलालेख के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा। 105 प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, सही कालानुक्रम की बात कर लें तो यूनानी शक और फिर कुषाण आए थे, ठीक है, ए करेक्ट होगा। 106 न्याय दर्शन के प्रचारक प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, ये प्रचारित किया था देखिए गौतम ने न्याय दर्शन को, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 107 देखिएगा सूची एक को सूची दो से मिलाना है, स्थान और स्मारक है, ठीक है ना। 107 का देखिए कूट हम लोग मिलाते हैं, तो भाई एलिफेंटा किधर से रिलेटेड हो जाएगा, ये एलिफेंटा एक गुफा है, ठीक है ना, ओके। एलिफेंटा क्या है अगर हम बात कर लें, एलिफेंटा एक गुफा है, ठीक। उसके बाद देखिएगा श्रवण बेलगोला क्या है, तो भाई अगर हम बात कर ले श्रवण बेलगोला की, ठीक है, तो श्रवण बेलगोला मूर्ति हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो ये जो है मंदिर हो जाएगा, सांची स्तूप हो जाएगा, करेक्ट कूट हमारा बी वाला हो जाएगा, 107 का बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 108 देखते हैं गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, देखिएगा इस काव्य के रचयिता की बात कर ले जयदेव हो जाएंगे। 109 मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा ध्यान रखिएगा बोलीविया से ये नहीं गुजरती है, ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 110 देखते हैं रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है ये अग्नि तथा तलछटी चट्टानों से होती है, सी करेक्ट होगा। 111 विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है देखिए नवीन मोड़दार पर्वत में, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 112 निम्नलिखित कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात कर लें ये पैटागोनियन मरुस्थल है, डी करेक्ट हो जाएगा। 113 निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, देखिएगा ये यूरोप का भाग है, देखिए ग्रीनलैंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। 114 उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 38 डिग्री उत्तर अक्षांश पे, ठीक है। 115 देखिएगा सूची को सूची दो साथ मिलाना है, देश है और सबसे बड़ा नगर किस देश का कौन सा नगर सबसे बड़ा है, तो 115 हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर, तो 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिएगा कनाडा टोरंटो हो जाएगा, ठीक है, ग्रीस एथेंस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखिएगा नाइजीरिया लागोस हो जाएगा और सीरिया इमस्कस हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट जो हमारा 115 का कूट बैठता है कौन बैठता है भाई, तो 115 का हमारा करेक्ट कूट हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
116। निम्नलिखित से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को, सी करेक्ट हो जाएगा। 117। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देश में से किसमें नहीं बहती है? मेकोंग रिवर जो है ये देखिए मलेशिया में नहीं बहती है, चीन, कंबोडिया, लाओस में ये बहती है। 118। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? 118 का करेक्ट हो जाएगा देखिए होंशु द्वीप, जापान का विशालतम है। 119। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? देखिए समताप मंडल में जो ओजोन परत के कार्य की हम बात कर लें तो ये इसका कार्य होता है क्या, तो इसका कार्य होता है भूतल पर प्रवैग्नि विकिरण जो ताप को उसको थामना होता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 120। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? टोर्नेडो एली जो है ध्यान दीजिएगा ये कहा जाता है मिसिसिपी के मैदान को, ठीक है। 121। JVL मेगा फूड पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? JVL मेगा फूड पार्क गाइस ध्यान दीजिएगा ये रोहतास में है, बी करेक्ट हो जाएगा। 122। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो है ना इसकी बात कर ले, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ए करेक्ट होगा। 123। मौर्य काल में नकद लिया जाने वाला नमक कर क्या था? तो मौर्य काल में जो नकद कर जो लिया जाता था वो था हिरण्य, ए करेक्ट हो जाएगा। 124। देखते हैं हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले देखिए 73.39% है पुरुष साक्षरता दर। 124 का सी करेक्ट हो जाएगा। 125। कैकेयी और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कैकेयी और ऋतुवंश काव्य अगर हम इसकी बात कर लें ये केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा रचित है, डी करेक्ट होगा। 126। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? देखिए इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा जो है ये 2 अक्टूबर 2009 किया गया, डी करेक्ट हो जाएगा। 127। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार की जलवायु को जो है ध्यान दीजिएगा ये मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है, बी करेक्ट होगा। बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? तो बिहार का पहला नायब नाजिम ये अलीवर्दी खान था, बी करेक्ट होगा। 129। हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है? तो ये महत्वाकांक्षी योजना संबंधित है वृक्षादन से, डी करेक्ट हो जाएगा। 130 देखते हैं हम लोग। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिएगा ए सही है लेकिन आर गड़बड़ है इसका, ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा। 131। निम्नलिखित से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है? देखिएगा ये प्रेरित करता है जाइमलेज, ए करेक्ट हो जाएगा। 132 देखते हैं। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? देखिए लिपिड्स का पाचन है ना लिपिड्स, राइट, लिपिड्स का पाचन होता है देखिए पित्त अम्ल में और लाइपेज में, तो हमारा सी जो है यहाँ पे देखिएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। 133 देखते हैं। कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, कारण अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, इसका 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है आर सही है, ठीक है। 134। नीचे 2 कथन दिए गए हैं है ना। कथन ए है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है और रीज़न है मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। 134 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक। 135। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, तो इनमें जो ऊर्जा जमा होता है अगर हम इसकी बात कर लें ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में, डी 135 का डी करेक्ट होगा। 136। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लिवर, बी करेक्ट हो जाएगा। 137। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये पाचन प्रभावित करता है फैट का, वसा का, बी करेक्ट हो जाएगा। 138। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित कौन करता है? देखिए पेप्सिन करता है, ए करेक्ट होगा। 139। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित युग्म कौन नहीं है? देखिए विटामिन डी, पॉल मुलर, ये गड़बड़ है ना। 139 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी की अगर हम बात कर लें, ओके, विटामिन डी किससे रिलेटेड है?
ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी जो है पॉल मूलर से रिलेटेड नहीं है, ये DDT के कीटनाशक के खोज करता है ना, और मलेरिया एवं पीत ज्वार जैसे वेक्टर रोग के रोकथाम में इसका उपयोग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। पॉल मूलर, ये विटामिन डी पॉल मूलर रिलेटेड नहीं है, ठीक। चलिए 140 पुस्तक द जैक जोंग वे किसने लिखी थी, द जैक जोंग, ये लिखा है अनीता देसाई ने, ये करेक्ट होगा। 141 वर्शिपिंग फॉल्स गाइड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, इसके लेखक की बात कर ले, ये है अरुण शैरी, डी करेक्ट होगा। 142 एक अज्ञात परिवार की आत्मकथा किसने लिखी है, एक अज्ञात परिवार, इसकी आत्मकथा नरेंद्र सिंह चौधरी ने लिखा है, बी करेक्ट होगा। 143 द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं विमल जलान, ए करेक्ट होगा। 144 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना साल 1950 में हुई थी, 144 का डी करेक्ट हो जाएगा। 145 ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण की घटना किस दिन हुई थी, देखिएगा ये हुई थी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ठीक है। 145 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 145 का ए, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, 146 राज्य में बुद्ध जयंती पूर्व का आयोजन कब किया जाता था, पर्व, सॉरी मैंने पूर्व पढ़ दिया, राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता था, ठीक है। तो 146 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। या देखिए गृह त्याग इनका जो, देखिए सारा इनका जो इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनका डेथ, इनका जन्म सब पूर्णिमा के ही दिन हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ बुद्ध जयंती जो मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को, लेकिन इनको गृह त्याग जो इन्होंने किया था आषाढ़ पूर्णिमा में किया था, ठीक है, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा में। चलिए 147 देखते हैं हम लोग, सांख्य प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सांख्य प्रहरी, इसकी स्थापना करी गई थी 1992 में, डी करेक्ट हो जाएगा। 48 बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा फ्रांस के सहयोग से किस स्थान पर पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण हो रहा है श्रीखंडा में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 149 हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज़ अभियान निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख पहल है, ये पहल है भारतीय परिवार नियोजन संघ का, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पर सत्य हो जाता है। 150 ध्यान दीजिएगा क्या है, 15वें वित्त आयोग द्वारा क्षितिज अंतरण हेतु जो फॉर्मूला तैयार किया गया उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ओके, कौन सा इसमें कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। तो जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर अगर हम बात कर लें, जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर बनाया गया है, ये सही बात है। उसके बाद देखिए जनसंख्या निष्पादन को 12.5% भारांकन प्रदान करते हेतु शामिल किया गया है, सही बात है, और सार्वजनिक भारांकन आप अंतर को प्रदान किया गया है, सही है, ये सही कूट हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 8, कट ऑफ था इसका 104, ठीक है, ये सेट काफ़ी टफ था, उम्मीद करता हूँ आपने इस ये कट ऑफ को जरूर पार किया होगा, टच किया होगा, कमेंट करके अपने स्कोर हमारे जरूर शेयर करिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।